गाइस, ये हमारी हो चुकी है पैकिंग और हम थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं। ये हमारी पैकिंग हो चुकी है। गाइज वेलकम टू एवरी वन। मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है और फर्स्ट जर्नी है व्लॉग की। देखते हैं कैसी रहेगी। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम ज्योति है और इसका नाम सपना है। और अब हम घूमने के लिए आए हुए हैं। हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और हम पहुंचे अपने सिस्टर के घर। तो हम थोड़ी ही देर बाद जाएंगे हर की पौड़ी पे नहाने के लिए और आप सभी को दिखाएंगे। होप सो कि हमारा व्लॉग बहुत अच्छा ही बने और अच्छे अच्छे लाइक कमेंट अच्छे अच्छे आए। थैंक यू, बाय। गाइस, ये हम चढ़ रहे हैं माता की चढ़ाई। हमारी हो चुकी है बैटरी लो। हमारी हो चुकी है चार्ज। अब देखते हैं क्या रहेगा कि हम चढ़ रहे हैं। अभी स्टार्ट ही किया सिर्फ। वहाँ में रास्ते में दिखे छोटे छोटे बंदर। ये देखो कैसे खा कर रहे हैं। इनकी होगी बैटरी डाउन। ये थक चुके हैं और अब हम चढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या रहेगा। पीछे जा रही है ट्रॉली। हाँ ये देखो, ये ट्रॉली जा रही है ये हमारे पीछे से। गाइस हम पूरे मजे ले रहे हैं और ये देखो ये यहाँ का व्यू है। पूरे मजे आ रहे हैं। देखो ये फोटो खींच रहे हैं सभी। ये चश्मा लगा के खड़े हैं। जिसको चढ़ने का इतना चाह था इसके सांस में सांस हो रहे। इसे चढ़ा बिल्कुल नहीं जा रहा। बहुत गर्मी है इधर। कहने का मतलब ये है कि कोई नहीं चढ़ सकता इतनी गर्मी है। ट्रॉली में आओ बेस्ट है। और हमें माता को खुश करना है इसलिए हम लेकिन क्या था कि 2.5 घंटे की टिकट थी। 2.5 घंटे उधर वेट था जो हम नहीं कर सकते। 2.5 घंटे वेट हुए ही नहीं। फिर हमने सोचा हम पैदल ही चलेंगे। फिर अब हम जा रहे हैं पैदल। तो हमें पता चल रहा है हम पहुंच चुके हैं मनसा देवी। और आप देखते हैं हमारे बहुत मजे आ रहे हैं। हम बहुत ज्यादा पब्लिक बोलता। हाँ गाइस हम मनसा देवी से निकले हैं और अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी पे नाई नाई करने। गंगा मैया को दर्शन करने जा रहे हैं हम। और अब हम दिखाएंगे आपको गंगा मैया में हम कैसे नहाते हैं। कैसे नहाते हैं क्या मतलब पूरा एंजॉय करेंगे हम। और ये मेरी फैमिली जा रही है जो कि बहुत मौज मस्ती करते जा रहे हैं। पर हम बैगों को उठा उठा के थक चुके हैं। बहुत थक चुके हैं गाइस। जल्दी सिटी गंगा में हम पहुंच एंटर कर लिए हैं और जल्दी हम अब आपको हर की सीढ़ी पे मिलते हैं। गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं हर हर गंगे पर। ये देखो यहाँ का व्यू कैसा है। बहुत भीड़ हो रही है यहाँ भी। और अब हम नहाने जा रहे हैं। देखो गाइस और ये एंजॉय करते हैं। डबो दियो गाइस। अब हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग पे। हम फाइनली पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। और ये देखो यहाँ का व्यू कितना सुंदर है पीछे। और हमारा सागर है वो जो रूस चुका है। वो बोल रहा है कि मुझे रिवर राफ्टिंग कराओ बट उसको नहीं करा सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया कि छोटा बच्चा जाए। तो अब हम जाएंगे रिवर राफ्टिंग में। ये दिखाते हैं आपको। रेडी हो चुके हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। और ये हमारा भाई है जो ये देखो कैसे रोए जा रहा है। इसको भी बड़ी वाली जो रिवर राफ्टिंग है उसमें घुमाया जाए। और मेरी मासी है जो वो छल्ले को लग रही है सुलझाने। ये सारे ऐसे खज्जल होए पड़े हैं लेकिन मैं कर रही हूँ फुल एंजॉय। और मेरे चाचू हाँ मजे आने वाली। मेरा और ज्योति का शुरू से यही था कि भाई हाँ हम रिवर राफ्टिंग करनी है। और बंजी जंपिंग भी है पर वो देखेंगे। पर रिवर राफ्टिंग तो श्योर करेंगे। और अभी हमने टिकट करा ली है बुक। जो मेरा छोटा भाई है वो रोई जा रहा है कि मुझे भी कराओ। लेकिन क्या कह सकते हैं उसको नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ अलाउड नहीं कर रखा। और हम गर्मी के कारण हमने बांध लिए हैं। गर्मी के कारण हमने बाल बांध लिए हैं। और गाइस हम अपने यहाँ पे कपड़े भी नहीं ले गए। हमारे कपड़े हैं जो वो हरिद्वार के होटल में ही है। अब जो गिल्ले होंगे मौसम हाँ इसी के मौसम में सूखेंगे। और अब जो गिल्ले कपड़ों में हम आपको वीडियो दिखाएंगे आप उसमें देखना हमारी हालत क्या होती है।
और कहने का मतलब ये है कि हमें फुल एंजॉय आ रहा है और पूरे मजे कर रहे हैं हम यहाँ पे। आप ऋषिकेश आओ और रिवर राफ्टिंग तो जरूर करके जाओ, उसके बिना ऋषिकेश अधूरा। हाँ, रियलिटी में हमारा नीलकंठ जाने का प्लान था बट वो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि नीलकंठ पे लग चुकी है बहुत ज्यादा भीड़ और हमारा नंबर आ पाना पूरे दिन में भी मुश्किल। अभी हम जाम में से आए हैं और फिर हमने सोचा कि हम पहले रिवर राफ्टिंग करेंगे, बाद में नीलकंठ भोले बाबा को संभालेंगे। में चक्कू, अब हम पानी को भाते हुए जाएंगे, पानी को चीरते हुए, ताकि हम गिरे ना, ये हमारी सेफ्टी है। और इन्होंने मेरा सांस बहुत ज्यादा घुट दिया है और अब नजारे ले रहे हैं हम जंगलों में से। हम फाइनली रिवर राफ्टिंग के लिए जिंदगी के नजारे ले रहे हैं और पहुंच चुके हैं। ये देखो गाइस कितना मस्त व्यू है और हमारी बोट तैयार और हम जाएंगे, नजारे आएगा नहीं आप जान नहीं देने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अब हम जा रहे हैं चंडी देवी पर, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे हम कैसे कैसे मजे करते हैं। और अभी हम तैयार हो रहे हैं, मतलब मैं हो चुकी हूँ और मेरी मम्मी यहाँ जो हो रह रहे हैं। चंडी देवी पे जाने के लिए पर ये पैदल चल के बिल्कुल भी राजी नहीं है, ऐसे भी बोल रहे कि हम जाएंगे ट्रॉली में। और सर, मैं तो पैदल जा सकता हूँ। चंडी देवी पर और ये देखो ये खटोले और पैदल के नाम पर और अभी हमने गाड़ी करी है अपनी पार्किंग। अब देखते हैं कि हम पैदल जाएंगे या उड़न खटोले पे, आपको सारा व्यू दिखाएंगे हम कैसे जाते हैं और मिलते हैं। इस जो हमारी उड़न खटोले की क्लास थी वो जो कैंसिल हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं पैदल, क्योंकि जो रश था वो बहुत ज्यादा था, कम से कम 2.5 से लेकर 3 घंटे की वेटिंग थी तो हमने कैंसिल कर दिया। हमने कहा कि हम जाएंगे पैदल, आपको दिखाएंगे कि हम पैदल कैसे मजे लेते हैं, क्या क्या करते हैं बीच में। और हमने ले लिया प्रसाद भी और हमने देखे यहाँ पे बहुत सारे लंगूर बंदर और देखो अभी भी दिखा रही ये लंगूर बंदर, ये देखो कैसे बैठे हैं। और हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई माता चंडी देवी की और ये यहाँ का व्यू है और मौसम हो रहा है बहुत नाइस, मस्त मौसम हो रखा है बिल्कुल। हम टोफियां खा खा के चढ़ रहे हैं, अभी हमारी एनर्जी पे कुछ असर नहीं पड़ा, अभी हमने चढ़ाई स्टार्टिंग किया, थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको इनकी एनर्जी कैसे डाउन होती है और ये पानी को सकेंगे। तो पहुंच गए गाइस, हमसे ये रास्ता नहीं हो रहा पार, देखना वटर रास्ता, माता की चढ़ाई कैसी है हमारे, लेकिन रास्ता देखो ये वाला से दूर है लेकिन देखो इधर का व्यू कितना बेस्ट है और हम पहाड़ों में चढ़े हुए हैं और व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है। और ये देखो लोग बैठे हैं और माता का मंदिर पहुंच गए हम, थोड़े ही दूर रह गया सिर्फ, और अभी आपको दिखाते हैं जब हम एंट्री करेंगे। हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और ये है माता का मंदिर, लेकिन यहाँ पे ये फोटो नहीं खींच सकते, आप यहाँ का ही व्यू देख सकते हो। फाइनली हमने दर्शन माता के कर लिए और ये माता का हमें मिला है प्रसाद। गाइस हम दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वापिस अपने गाइस। बस अभी हमारी ये लास्ट घूमने की जगह थी माता और अब हम घर को रवाना हो जाएंगे और बस आज हमारा टूर 3 दिन का खत्म हो जाएगा। और हमें हरिद्वार में रहकर बहुत ज्यादा मजा आया और ऋषिकेश में तो रिवर राफ्टिंग करके सुपर डुपर कुछ आप बोलना चाहो आपके व्यूज। बस गाइस बताना हमारा व्लॉग कैसा रहा, कुछ गलत बोला हो तो कमेंट करके जरूर बताना। हमें उतरते हुए बिल्कुल भी पता नहीं लगा और बहुत मजा आया, हमने फुल एंजॉय किया। और आप मेरा व्लॉग बताना कैसा लगा गाइस,
हमारा हरिद्वार का टूर है वो जो यही खत्म होता है। और लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना हमारा टूर कैसा लगा, और कोई गलती हो गई तो उसकी तरफ से सॉरी एंड थैंक यू, बाय बाय।